स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर डीजी महोदय द्वारा पीएफपीटी के विभिन्न कार्मिकों को
डीजी डेस्क और डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस क्रम में सबसे पहले श्री सीपी सक्सेना डीआईजी डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग 12th ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने योगदान हेतु डीजी डेस्क द्वारा सम्मानित। श्री अंशुमान सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 12th ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन टूर्नामेंट एवं सेकंड नेशनल चैंपियनशिप टेक्नोलॉजी के लिए डिप्टी डेस्क एवं ऑपरेशन जल शक्ति में अपने योगदान हेतु डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट के द्वारा नवाजा। श्री अमित अटू डिप्टी कमांडेंट 12th इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए डीजी डेस्क एवं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट। श्री प्रकाश चंद बदोलिया डिप्टी कमांडेंट 12th ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए एवं सेकंड नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए डीजी डेस्क एवं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट। श्री धर्मेंद्र नाथ सिंह डिप्टी कमांडेंट 12th ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन टूर्नामेंट एवं सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रैफिक टेक्नोलॉजी के लिए डीजी डेस्क द्वारा सम्मानित एवं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को सफल बनाने हेतु डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश आंगला सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोसिक्यूशन एवं 12th ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए डीजी डेस्क एवं स्मार्ट ऑपरेशन जल शक्ति हेतु डीजी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। हेड कांस्टेबल सुशील सिंह तोमर कोविड 19 के दौरान अपने उल्लेखनीय कार्य हेतु डीजी डेस्क द्वारा सम्मानित। कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह कोविड 19 के दौरान अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए डीजी डेस्क द्वारा सम्मानित। श्री परवेज असलम अंसारी डेप्यूटी कमांडेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को सफल बनाने हेतु डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। श्री नितेश कुमार बनर्जी असिस्टेंट डायरेक्टर लॉकडाउन के दौरान 100% अटेंडेंस एवं अपनी परफॉर्मेंस के लिए डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। श्री राजेश कुमार राघव असिस्टेंट कमांडेंट सीबीआई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को सफल बनाने के लिए योगदान हेतु डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। श्री सुरेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को सफल बनाने हेतु डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। इंस्पेक्टर शफाली टकलकर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अपने उल्लेखनीय योगदान हेतु डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ऑपरेशन जल शक्ति में अपने योगदान हेतु डीजी कमेंडेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। कांस्टेबल संदीप कुमार खांडा
ऑपरेशन जल शक्ति में अपने योगदान हेतु डीजी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। कांस्टेबल सतीश पटेल ऑपरेशन जल शक्ति के दौरान उल्लेखनीय कार्य हेतु डीजी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। कांस्टेबल हरे कृष्णा ऑपरेशन जल शक्ति में अपने उल्लेखनीय योगदान हेतु डीजी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। कांस्टेबल देशराज ऑपरेशन जल शक्ति में अपने उल्लेखनीय योगदान हेतु डीजी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित। स्तर पर बल के सभी सदस्यों का संबोधन करें। सर, स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर मेरी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ जितने भी डीजी डिस्क और डीजी कमेंडेशन बोर्ड के विजेता हैं उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज किसी को डिस्क मिल गया, मेडल मिल गया या सर्टिफिकेट मिल गया, इसका अर्थ कदापि ये ना समझें कि जिसे नहीं मिला वो नकारा है, मकार है, किसी लायक नहीं है। जिन्हें यह डिस्क या सर्टिफिकेट मिला है वो ये दर्शाता है कि जो हम सब ने मिलकर के काम किया था उसमें कुछ लोगों का योगदान, किसी ने योगदान बराबर रहा होगा सबका, लेकिन संभवतः किसी ने, जो सुपरवाइज़र है आप में से या उसका सीनियर व्यक्ति है, उसने उस योगदान में कोई ऐसी चीज़ पाई जो दूसरों की अपेक्षा भिन्न थी, इस कारण से उनको आइडेंटिफाई किया गया और इस कारण से उन्हें ये सर्टिफिकेट और डिस्क मिले। तो जिन्हें नहीं मिला उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने प्रयास करें जिससे कि अगली बार हमारे वर्क को, हमारे कार्य को हमारा सुपरवाइज़र, हमारा सीनियर रिकॉग्नाइज करे, जिससे कि हमें भी यह सर्टिफिकेट और हमें भी यह रिकमेंडेशन डिस्क मिल सके। हमें प्रयास ये करना है। अभी ये तमाम प्रयासों के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए मेरे सामने अमित खड़े हैं तो अमित का मैं दोबारा नाम भेजता हूँ, तिबारा नाम भेजता हूँ तो उनको चार बार, पांच बार, दस बार रिकमेंडेशन डिस्क मिल जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ लोग हैं जो कि उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमेशा उनका भी प्रयास ये रहता है, हमारा भी प्रयास ये रहता है कि जिन लोगों को हम लोगों ने यह डिस्क या रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट दिला दिया है, यदि उनका काम वाकई बार बार अच्छा हो रहा है तो ठीक है, हम उनको नॉमिनेट करेंगे, उनके नाम हम भेजेंगे, लेकिन ऐसे लोग जिनके नाम नहीं गए हैं उनको हम देखें, रिकग्नाइज करें, प्रमोट करें, ये हमारा प्रयास रहता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि हताश ना हो, प्रयास जारी रखें। आपके प्रयास हम में से कोई ना कोई, आपका सुपरवाइज़र से लेकर के मेरे तक, कोई ना कोई उस प्रयास
प्रयास को रिकग्नाइज करेगा और उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। आप सबको मालूम है कि अगले वर्ष ये स्वतंत्रता के का 75वां जन्मदिन होगा, इसीलिए इसको अमृत महोत्सव नाम से बनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है पूरे देश में। 11 मार्च से शुरू होकर के इस वर्ष, अगले वर्ष 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह का ये कार्यक्रम है। इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। कल राष्ट्रगान.in के ऊपर आप सबसे ये अपेक्षा की गई थी, हम सबसे ये अपेक्षा की गई थी कि हम उसके ऊपर 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो 50 सेकंड के अंदर या 55 सेकंड या 1 मिनट के अंदर वो रिकॉर्डिंग हमको करके ऊपर भेजनी थी। आप सब ने उनमें उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, नहीं कर पाए। पर मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि क्योंकि यह अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे हम लोगों को, 75 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो इन 75 सप्ताह में जो जो जैसे जैसे कार्यक्रम बताए गए हैं वो सारे कार्यक्रम हम सब उसमें प्रतिभागी बने। हम सब यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं सब स्वतंत्र भारत में जन्म लिया था हमने, इस कारण से पराधीन होना या गुलाम होना ये हमें पता नहीं है। हमने जिस देश में जन्म लिया, जिस समय जन्म लिया, उस देश में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, जो खाना चाहें खा सकते हैं, जिस भी धर्म का पालन करना चाहें हम कर सकते हैं। पर आज से 75 साल पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी। हम सब ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है, आप सब लोग इम्तहान दे करके ही नौकरी में भर्ती हुए हो और उस भर्ती के इम्तहान के लिए बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना पड़ता है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि उस समय जो भारतीय थे वो किन परिस्थितियों में रहा करते थे, पराधीन होने का क्या अर्थ हुआ करता था। और जब हम उस समय के लोग, उस समय के जो विचारक थे, उस समय के जो संग्राम सेनानी थे, उन लोगों के अगर विचारों को पढ़ें समझें तो हमें ये समझ में आता है कि वो लोग कितना सीरियसली इंडिपेंडेंट थे, कितना स्वतंत्र थे। उनको ये बताया गया था कि वो पराधीन देश के वासी हैं, उनका माई बाप, उनका मालिक कोई और है, उनके निर्णय कोई और लेता है, लेकिन उनका जज्बा देखिए, उनके दिमाग, उनके विचार की स्वतंत्रता देखिए कि उनको ये लगा कि नहीं, ये गलत है, हमको स्वाधीन होना है, खुद के अधीन होना है, हमें खुद की सरकार बनानी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है का अर्थ यह नहीं होता कि हम जो चाहें वो कर सकें। हम सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमको हमारे सामने खड़ा जो भी कमांडर होता है वो सावधान बोलता है तो हम सावधान हो जाते हैं, वो विश्राम बोलता है तो हम विश्राम हो जाते हैं। उस समय हमारी इंडिपेंडेंस नहीं चलती है, उस समय हमारी जो स्वतंत्रता है वो नहीं चलती है। ऐसा ही मेरा अपना सोचना है कि यह स्वतंत्रता क्या है, यह जानने के लिए, ये मानने के लिए हमको कुछ डिसिप्लिन किया जाना, कुछ जगह से हमको रिस्ट्रेन किया जाना, कन्फाइन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। ये बच्चे बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, ये स्कूल की असेंबली अगर होती तो इस तरह से दौड़ रहे होते क्या आप सब बताओ? नहीं सर। स्कूल की असेंबली होती, आज हम यहाँ 15 अगस्त में खड़े हैं, राष्ट्रगान हो रहा है, स्कूल में राष्ट्रगान होता है तो ये बच्चे खड़े रहते हैं, गाते हैं साथ में, पर आज यहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा है तो बच्चे खड़े नहीं हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों? जो
विषय मैंने आप लोगों के सामने रखा था, उसका कारण यही है कि हम सबको कुछ रीजनेबल रिस्ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। हमें, हम हो चाहे बच्चे हो, उम्र का ही फर्क है, हमको भी ऐसा मौका दे दिया जाए और हमारा शरीर हमको अलाउ करेगा तो हम भी ऐसी भाग दौड़ रहे होंगे। उस कारण से यह अत्यंत आवश्यक है कि हम हमारे परिवार में ऐसे रहें कि कोई ना कोई डिसिप्लिन वहाँ बना रहे। हम तब जा कर के अपनी स्वतंत्रता का एहसास, अनुभूति और गति से और अच्छे से कर सकेंगे। और ये स्वतंत्रता और पराधीनता का एहसास पिछले 1.5 साल में हम सबको बहुत अच्छे से हुआ है। ये कोरोना जब हुआ तो कोरोना के समय हम लोगों को ये समझ में आ गया, रीजनेबल रिस्ट्रेंट की बात जो मैं कह रहा हूँ वो हम सबके ऊपर लगाए गए कि आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के गले नहीं लग सकते, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप एकेडमी से बाहर नहीं निकल सकते। ये तो एकेडमी की बात है, पर हर जगह कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया, आवागमन बंद हो गया, ये सब हम लोगों ने देखा है। और वो सब देखने के बाद हम सब क्या चाह रहे हैं कि यह कोरोना, मृत्यु हुई बहुत सारे लोगों की, हम सब ने, हम सब के परिवार में किसी ना किसी ने किसी को खोया है, लेकिन चूंकि उसने हमारी स्वाधीनता के ऊपर एक अतिक्रमण कर दिया, इस कारण से हम लोग ये चाहते हैं, सब भगवान से मनाते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह कोरोना जाए जिससे हम स्वतंत्र हो सकें। तो मेरा आप सब से यह आग्रह है कि जो ये पराधीनता का एहसास कोरोना ने दिलाया है, इससे सबक लें, अपने अपने परिवार में, अपने बच्चों में डिसिप्लिन लेकर के आए, जिससे कि हम हमेशा हमारी स्वतंत्रता को इंजॉय कर सकें। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि विगत 3 वर्षों से हमारे लोगों के साथ हैं, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 6 साल से हम लोगों के साथ हैं। अब बहुत सारे लोगों का जाने का समय हो रहा है, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, तो टर्नओवर की जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने करके रखी हुई है। धीरे धीरे, क्योंकि ये यहाँ का सिस्टम है कि यहाँ जो भी है वो कुछ समय के लिए है, फिर कुछ समय बाद चला जाएगा। एक इनके बैनर्जी को छोड़ दो, अगर उसका मन करेगा यहीं रहने का तो ये रिटायरमेंट यहीं रहेगा, लेकिन बाकी हम सब जितने हैं, हम सबको, हम कुछ समय के लिए हैं यहाँ पे और हमें वापस जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग बीच में हम लोगों का साथ छोड़ करके गए, जो लेटेस्ट गए हैं वो कुछ, देवेंद्र सिंह छोड़ करके गया, आप लोगों के इंस्पेक्टर लाइन DSP बन करके योगेंद्र सिसोदिया चले गए हम लोगों के साथ, हम लोगों के मध्य से। मैं आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि आप सब ने जो योगदान दिया है, जो आने वाले समय में जा रहे हैं, आप सब ने जो योगदान इस एकेडमी को खड़ा करने में दिया है, अद्भुत है और उसको मैं हमेशा रिकग्नाइज करूँगा। पर साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिस तरीके का जीवन आपने व्यतीत किया, वैसा जीवन वापस जा कर के आपको नहीं मिलना, क्योंकि आप बॉर्डर गार्डिंग पुलिस के हो ज़्यादातर, तो बॉर्डर पे आपको पोस्ट होना ही पड़ेगा, चाहे वो आसाम राइफल्स हो, चाहे ITBP हो, CRPF भी कुछ जगह पे बॉर्डर करती थी, नहीं तो अब LWE वाले इलाके में। अब वो समय आ गया है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, और KB शर्मा साहब यहाँ ADOD बन करके आ गए हैं, उनसे भी मैं बोल रहा हूँ, रविंदर जो है सब इंस्पेक्टर, उसको भी मैं कह रहा हूँ कि अब जितने हम लोग हैं यहाँ पे, इन सबको वापस जा कर के ड्यूटी करने में कोई कठिनाई ना हो, उस लायक रवा कर दो। KB शर्मा साहब, GK शर्मा साहब, रवा कर दो इनको, जिससे वापस जा कर के इनको कोई कठिनाई ना हो, ये जैसे आए थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSP बन करके वापस जाएं और अपने अपने फोर्स में जा करके गौरवान्वित होकर के बोले कि मैं जितना सीख करके गया था उससे कहीं 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 ज़्यादा सीख करके वापस आया हूँ, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं आप सब लोगों को पुनः
इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मेडल विनर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे आग्रह करता हूं कि प्रयास करें कि हम सब मेडल विनर बने, हम सब डीजी डिस्क के विनर बने, हम सब डीजी कमेंडेशन रोल के को हासिल करें, हम सब आईजी कमेंडेशन या डायरेक्टर कमेंडेशन रोल को हासिल करें। हम सब मिलकर के प्रयास करें तो जिस स्थान पर हम हैं, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ जिस स्थान पर हैं, पर मेरे सपने बड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब उन सपनों के प्रतिभागी बने और प्रयास करके हम जहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, जिस ऊँचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ऊँचाई को प्राप्त करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसे थे मैं डायरेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में सेवा काल समाप्त करके श्री भुवनेश्वर कुंकवाल सेवानिवृत्ति जा रहे हैं, तो उनसे अनुरोध करूँगा आपसे उनके सेवानिवृत्ति का महोदय मेमेंटो प्रदान करें। अरुण सर, अरुण सर, साहब लोग मिले उधर से, थोड़ा सा क्या है, लेडीज से मिलने गए ना साहब, किससे लेडीज से मिल रहे, फिर इनसे मिलेंगे, बचाव कर लेते थोड़ा सा। कुंजू, कुंजू कहाँ है ये? चलो आप लोग चलो, एक एक करके चलो लाइन बना के। कुंजू बहुत